नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने गूगल पे यानी कि आप अपने क्रोम पर लॉक कैसे लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल पे या फिर क्रोम पर अपने लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहां पे बता दूं कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप अपने सेटिंग से यहां पे अपने क्रोम पर लॉक लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, सेटिंग में चलना है। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखना है आपको ऐप लॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली यही लिखना है, ऐप लॉक। अब जैसे ऐप लॉक लिखेंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, सबसे फर्स्ट पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लॉक का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑन का, सिंपली आपको टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पैटर्न डाल देना है, फिर से आपको पैटर्न डाल देना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों बता दूं, हो सकता है पीछे जो स्क्रीन थी ब्लैक हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी है कि यहाँ पे पैटर्न शो नहीं होता है। सिंपली आप पैटर्न वहाँ पे अपने फोन में डाल लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपके सामने अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का, सिंपली आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल फोन में होंगी ना, यहाँ पे आ जाएंगी और इन पे ग्रीन ट्रिक लग गया होगा। तो सिंपली आपको इन सभी पे क्लिक करके ग्रीन ट्रिक को हटा देना है, सभी पर से यहां से ग्रीन ट्रिक को हटा देना है। फिर दोस्तों जो नीचे लिखा है यूज ऐप लॉक ना, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों करना क्या है, यहां पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे ना, तो यहां पे दोस्तों आपको क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर आना है और यहां पे दोस्तों गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाएंगे ना, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अब जैसे आप अपने क्रोम को यहाँ पे ओपन करेंगे ना, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, अब आपसे पैटर्न मांगा जाएगा। तो दोस्तों वहां पे जो आपने पैटर्न डाला था ना, वही पैटर्न यहाँ पे डालेंगे तो ये सिंपली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्रोम पे या फिर गूगल पे लॉक लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।